अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का सब्सिडरी देखने जा रहे हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसी टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिलेबस समझते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं और कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, और सिलेबस में प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होंगे, थियोरी कितने मार्क्स की होगी, उन सबको देखते हैं। पैटर्न क्या रहेगा आपका, पैटर्न पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, 2-3 साल से ऑब्जेक्टिव पैटर्न चला है जब से कोरोना हुआ है तब से। और ऑब्जेक्टिव में आपको 75 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू दिए रहते हैं, कभी 90 क्वेश्चन दिया रहता है उसमें आपको 75 बनाने होते हैं, और कभी 75 का 75 दिया रहता है उसमें पूरे आपको बनाने हैं। 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, वो तो आप लोग जानते ही होंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या क्या चीज़ें आपको सिलेबस में है। देखिए, सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री लिखा गया है सब्सिडरी जनरल फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट, और ये एलएनएमयू का सिलेबस है। पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, पासिंग मार्क्स आपको भाई 23 नंबर चाहिए ही चाहिए कम से कम। प्रैक्टिकल आपका 25 मार्क्स का होगा। 75 मार्क्स में आपको तीन पार्ट बनाए गए, केमिस्ट्री का तीन पार्ट होता है वैसे आप लोग जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। अब इन तीनों में अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं और सभी चैप्टर्स का अपना वेटेज है। ये सबसे ज़्यादा जो मतलब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑर्गेनिक से आते हैं जनरली, जिसमें से सबसे फर्स्ट चैप्टर आपको दिया गया है जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का, और सेकेंड है आपका अल्कोहल्स, थर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दिए गए हैं, जो कि ये तीनों चैप्टर की अगर बात की जाए लगभग 12th से रिलेटेड है। काउंसलिक एसिड भी आपको 12th से रिलेटेड है, एमीन्स और यूरिया, यानी ये 12th का ही पूरा का पूरा चैप्टर्स है। जिसका 12th अगर अच्छा हो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम टू सेम आप वहाँ से कवर कर सकते हो क्या। और रही बात इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में 11th का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ से कवर कर सकते हैं आप। पीरियोडिसिटी 11th का चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग 11th का, और केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ये भी 11th का ही चैप्टर है, सब के सब 11th से लिया गया है पूरा। और फिजिकल में आपको ये तीन पढ़ने हैं, केमिकल काइनेटिक्स 12th का चैप्टर है, केमिकल इक्वेशन 11th, कोलाइडियल स्टेट 11th, गैसियस स्टेट 11th, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन 11th और 12th से ही आने हैं। और जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न की अगर बात हो तो बेसिक अगर आपका 11th 12th अगर क्लियर है तो आप सारे ऑब्जेक्टिव को आसानी से डील कर सकते हो। हम क्या करेंगे इसमें, जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होंगे उनको डील करेंगे, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको देखते जाएंगे। हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट तो डील नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम साथ साथ देखते जाएंगे। ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है। ये ऑर्गेनिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज से। मेरा नाम हुआ एस चंद्र सर, और जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को सीखेंगे सबसे पहले। तो हाइब्रिडाइजेशन सीखने से पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली में होता क्या है। आप लोग को थोड़ा बहुत पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंपल मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर स्टडी कर रहे हो इसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या एक लाइन में अगर बात किया जाए तो स्टडी ऑफ कार्बन भी आप कह सकते हो, कार्बन के स्टडी को भी कह सकते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात ये आती है कि कार्बन के स्टडी को क्यों बोला जाता है, क्योंकि कार्बन ही इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, जिसके अंदर कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। अब ये कैटेनेशन क्या होती है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन की लिंकिंग की जो प्रॉपर्टी होती है। कार्बन एक इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं लिंकिंग कर करके। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करते हैं थोड़ा सा, और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको देखते हैं, फिर एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। आज के सीरीज में हम 20 क्वेश्चन लाए हुए हैं जो कि आपका पूरा हाइब्रिडाइजेशन और जनरल जो चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड है, और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से टच करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा ये क्वेश्चन सारे। आइए देखते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं हम लोग बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधा अगर लिखा जाए एक लाइन में तो क्या लिख सकते हैं अपन, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, लेकिन नाम में छुपा हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो। अब ये हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, सिंपल नाम में छुपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा।
और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब जिसमें हाइड्रोजन कार्बन और सम अदर एलिमेंट हो, कोई और भी अगर एलिमेंट हो तो उसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहते हैं। देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट किया हमने, एक को लिखा हाइड्रोकार्बन, दूसरे को लिखा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन का सिंपल मतलब है जिसके अंदर हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, केवल हाइड्रोजन और कार्बन हुआ तो हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोजन कार्बन के अलावा हाइड्रोजन कार्बन एंड सम अदर एलिमेंट भी अगर हो, सम अदर एलिमेंट्स, कुछ अलग एलिमेंट्स भी अगर आपको मिल रहे हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कुछ एक्स्ट्रा भी अगर कुछ मिल रहा है तो उसे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो उसे क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, दूसरे को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी होंगे। ठीक, अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग हाइड्रोकार्बन में समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हाइड्रोकार्बन यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन रहने वाला है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को हमने बोल दिया सैचुरेटेड और दूसरे को अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड और सेकेंड हमारे पास अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए सैचुरेटेड का मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी कि अल्केन को अपन बोल सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिल सकते हैं, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में हमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो मिलने वाला है। और सैचुरेटेड के अंदर एक ही चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारा अल्केन। और अल्केन में अगर आप इस तरह से अगर डिवाइड किया जाए तो दो चीज़ से मिलके बनता है अल्केन जी, एक अल्क और प्लस एन, जिसके लास्ट में एन लगा होगा आप समझ जाओगे अल्केन होगा। और अल्क का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन के हैं। जैसे एक कार्बन के लिए आप 10th में या 11th 12th में बेसिक में यूज करते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरह से आप पढ़े होंगे 10, 15, 20, 25, 100 तक पढ़ सकते हो। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए हम लोग अल्क यूज करेंगे और लास्ट में एन अगर लगा हुआ तो अल्केन। अल्केन का एक जनरल मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हो कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होगा। और कुछ चीज़ें हम और बता देते हैं आपको जनरल, जैसे कि आपको जनरल फार्मूला वगैरह सब पूछ सकता है एग्जाम में, जनरल फार्मूला अल्केन का, अल्केन का इस सब से आते हैं क्वेश्चंस। देखिए अल्केन की अगर हम जनरल फार्मूला की अगर बात करें ZF, तो इसका होता है CnH2n+2, वेयर n की जगह आप 1, 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे आपको अल्केन मिलती जाएगा। एज्यूम करते हैं कि n की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, C1 और H क्या 2 + 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, यानी CH4। आप जानते हो इसका नाम क्या होता है, मिथेन, क्योंकि अल्केन क्या है एक कार्बन का तो मिथ, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे एन, क्योंकि अल्केन से बना हुआ है। अगर n के जगह पर अगर 2 रखते हैं तो क्या बनेगा C2H6। इस तरह से आप बना सकते हो बहुत सारे, ये हो गया हमारा इथेन। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप लोग जानते होंगे बहुत पहले से, इस तरह से जितना मन उतना बना सकते हैं। अनसैचुरेटेड में हमें दो पार्ट करने हैं, एक को बोलते हैं अल्कीन और दूसरे को बोला जाता है अल्काइन, अल्कीन और अल्काइन। देखिए अल्कीन का मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा होगा, क्या लगा होगा डबल बॉन्ड। और अल्काइन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ मिलेगा। और इसकी जनरल फार्मूला क्या होगा, देखो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n, ठीक है,
जैसे ही पाई बॉन्ड आता है वैसे ही हाइड्रोजन के नंबर घट जाता है और अल्काइन का आ जाएगा CnH2n-2, यानी इसमें दो पाई बॉन्ड आ गया तो और हाइड्रोजन घट गया तो CnH2n-2। एक चीज़ ध्यान रखना, एक कार्बन का अल्केन बना सकते हो लेकिन एक कार्बन का अल्कीन और अल्काइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड लगाने हैं या ट्रिपल बॉन्ड लगाने हैं, तो कम से कम दो कार्बन का होना कंपलसरी है। तो ये था कुछ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सबके जनरल फार्मूला। और रही बात हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, तो देखते हैं हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है हाइब्रिडेशन से रिलेटेड, पहले हम हाइब्रिडेशन को समझेंगे फिर जाके क्वेश्चन को एक एक करके समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो दे दिया है कि हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व्स, हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं, फिर हाइब्रिडेशन निकालने के लिए कौन से नंबर की जरूरत पड़ेगी, हमें क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत है, जैसे सिग्मा बॉन्ड आपको निकालना आना चाहिए, पाई बॉन्ड आपको निकालना आना चाहिए, ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन आज का इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बेसिक चीज़ें से अल्केन अल्किन अल्काइन आपको पता हो और हाइब्रिडेशन का बेसिक अगर इंट्रो अगर आपको पता है तो सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से पहले हाइब्रिडेशन को समझते हैं कि हाइब्रिडेशन होता क्या है एक्चुअली में। देखिए हाइब्रिडेशन का सिंपल मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइजेशन। देखो कोई भी चीज़ मार्केट में जैसे मिलती हो आप तो हाइब्रिड चीज़ें मिलती है, सबके सब तो हाइब्रिड ही मिलते हैं। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होना। अब यहाँ केमिस्ट्री में अगर होगा तो केमिस्ट्री में किस चीज़ की मिक्सिंग होती है जी, ऑर्बिटल का, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ अगर मिक्स होगा तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को हाइब्रिडेशन में यूज किया जाता है। कैसे देखो जरा, एक लाइन में अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं अपन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की मिक्सिंग को अपन बोल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको ऑर्बिटल के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। देखो जी हाइब्रिडेशन के टाइप्स निकालते हैं, पहले हम लिख देते हैं कौन कौन से टाइप्स बनने वाले हैं। यहाँ पे जो ऑर्गेनिक में यूज होने वाला है आपका वो तीन है, sp, sp2 और sp3। वैसे और भी होते हैं sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2, वो कोऑर्डिनेशन सबका है। आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम सीखते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होता है। sp अगर हाइब्रिडेशन का मतलब होगा कि एक s ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल है। अब p में तीन ऑर्बिटल होते हैं जी, आप पढ़े होंगे p में तीन होते हैं, px, py और pz। अब ऐसा भी हो सकता है कि px वाला इसके साथ मिल जाए या नहीं तो py वाला मिल सकता है या नहीं तो pz वाला, तीनों में से कोई अगर मिल जाए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp। ठीक है, एक s ऑर्बिटल और एक ही p ऑर्बिटल, p में कोई भी px, py, pz, तीनों में से कोई अगर मिले तो बनेगा हमारा sp हाइब्रिडेशन। अब सेकेंड है हमारे पास में sp2। sp2 का मतलब क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल में या तो px हो जाए प्लस py, या ऐसा भी हो सकता है कि px प्लस pz ऑर्बिटल मिल जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि px y और प्लस pz। तीनों पॉसिबिलिटी है कि पी एक्स प्लस वाई मिले, पी एक्स प्लस जेड मिल सकता है या वाई प्लस जेड मिल सकता है। तो एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल मिला तो क्या बनेगा हमारा, एस पी टू। हम सबके सेप ज्योमेट्री सारा कुछ देखेंगे एक एक करके। थर्ड होता है हमारे पास एस पी थ्री हाइब्रिडेशन। ऑर्गेनिक में बस यही तीन इंपॉर्टेंट है। अब एस पी थ्री का मतलब क्या होगा जी, एक एस ऑर्बिटल और तीनों के तीनों पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो एक s ऑर्बिटल और प्लस तीनों p ऑर्बिटल, px प्लस py प्लस pz, तो क्या हो जाएगा हमारा sp3। आइए देखते हैं सबसे पहले एक एक करके sp हाइब्रिडेशन क्या होता है। sp हाइब्रिडेशन का मतलब होगा कि देखो जब दो ऑर्बिटल आपस में मिला होगा, एस ऑर्बिटल की अगर हम बात किया जाए तो इस तरह से आप शेप पढ़े होगे, एस ऑर्बिटल होता है ये एस ऑर्बिटल का शेप है, और पी ऑर्बिटल आप पढ़े होगे डंबल शेप के होते हैं। मान लेते हैं कि पी ये वाई वाला है और दोनों अगर मिलेगा तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है, और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जितनी भी ऑर्बिटल मिलते हैं उतनी ही हाइब्रिड बनते हैं,
जैसे एक एस और एक पी अगर मिला तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, दो हाइब्रिड बनेगा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम होगा एस पी हाइब्रिड, क्योंकि ये एक एस और एक पी के मिलने से बना है तो इसको बोलते हैं एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो बने हैं। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का होता है क्या, देखिए अब एस ऑर्बिटल की बात किया जाए तो इसकी एनर्जी अलग होती है और पी ऑर्बिटल की एनर्जी अलग होती है। दो अलग अलग एनर्जी, दो अलग अलग शेप वाले ऑर्बिटल को जब मिक्स किया जाता है इस तरह से तो एक नया ऑर्बिटल मिलता है, नया ऑर्बिट जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का सेम एनर्जी सेम शेप का बनेगा। अब ये दोनों अगर एक आपस में अगर मिलते हैं तो एक एस ऑर्बिटल एस पी ऑर्बिटल इस तरह से, और दूसरा दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ मैं, दूसरा इस तरह से मिलेगा तो ये एस पी हाइब्रिडेशन कहलाता है। और दोनों की बॉन्ड एंगल की हम अगर बात करें तो वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। ज्योमेट्री इसके लिए पता होनी चाहिए भाई, इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री कितनी होती है, कैसी, लीनियर ज्योमेट्री। ये देखने में कैसे लग रहा है, पूरा लीनियर के जैसा, तो लीनियर ज्योमेट्री होगी। शेप अगर आपसे अगर कोई पूछे तो आप शेप लिख सकते हो, लीनियर ही होगा, शेप लीनियर। अगर आपसे कोई बॉन्ड एंगल पूछे इसका कि बॉन्ड एंगल क्या होगा तो 180 डिग्री, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको एस पी हाइब्रिडेशन के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड एस पी टू। एस पी टू का मतलब अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए हुए थे कि एक एस ऑर्बिटल और दो पी ऑर्बिटल, तो तीन बनेगा एस पी टू हाइब्रिड बनेगा, तीन बनेगा एस पी टू। जैसे एक एस और मान लेते हैं कि पी एक्स प्लस पी वाई अगर मिल गया तो तीन ऑर्बिटल बनेंगे और तीनों के तीनों एस पी टू होंगे, सेम शेप सेम एनर्जी का। और जब ये तीनों आपस में मिलेगा तो इस तरह से तीन बॉन्ड्स बनते हैं जी, इस तरह से सेंट्रल एटम होगा और इस तरह से सेम उसी तरह से ऑर्बिटल भी आप मिला सकते हो, ऑर्बिटल के जैसे भी हम बॉन्ड के फॉर्म में दिखा रहे हैं, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा इस तरह से। और अगर बात किया जाए इनके बॉन्ड एंगल की तो आप बॉन्ड एंगल देखो 120 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो और ज्योमेट्री कैसा देखने में लगता है, देखिए अगर हम इसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करते हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि ट्राइगोनल प्लेनर हो। तो ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा इसका, ज्योमेट्री ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देख लो ट्राइगोनल प्लेनर जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। और एंगल आपको लिखा ही हुआ है, बाउंड एंगल की बात की अगर किया जाए तो बाउंड एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री का, कितने एंगल हैं जी, थ्री एंगल, 120 डिग्री का तीन एंगल मिलेंगे आपको। ज्योमेट्री लिख दिया, शेप लोन पेड़ के आने से जी शेप चेंज होता है, तो जैसे जैसे लोन पेड़ आएंगे हम लोन पेड़ को शेप में कंसिडर नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे लोन पेड़ आएगा हम शेप आपको बताते चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एस पी थ्री वाला, थर्ड हमारे पास एस पी थ्री हाइब्रिडेशन। अब sp3 का मतलब क्या, चार बॉन्ड बने होंगे और चारों इस तरह से, एक मिनट, एक s ऑर्बिटल, एक px, py और pz, चारों मिला तो चार बॉन्ड बनेंगे टेट्राहेड्रल शेप में इस तरह से, 109 डिग्री 28 मिनट पे सारे के सारे मिलते हैं ये इस तरह से। चार लगा हुआ है बॉन्ड और बीच में सेंट्रल एटम रहता है, बीच में सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम। और एंगल की अगर हम बात करें तो ये 109 डिग्री 28 मिनट पे लगता है। ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ये ज्योमेट्री कैसा लगता है देखने में, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। बाउंड एंगल की अगर बात किया जाए तो बाउंड एंगल आपका हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट का, कितने एंगल हैं, चार बने हुए हैं, ठीक। और शेप की अगर बात करें तो जैसे जैसे मतलब कि लोन पेयर आएगा शेप आपका चेंज करता जाएगा, लोन पेयर नहीं रहेगा तो जो ज्योमेट्री वही शेप होता है, जैसे जैसे लोन पेयर आते हैं आपके शेप बदलते जाते हैं।
तो यहाँ तक हो गया बेसिक हाइब्रिडेशन से रिलेटेड पॉइंट। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बैक में है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व्स, हाइब्रिडेशन के अंदर होता क्या चीज़ है जी। फर्स्ट दिया है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या हाइब्रिडेशन में लोन पेयर का एडिशन होता है, या मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, या रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, या सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो हमने पहला ही स्टार्टिंग में बताया था हाइब्रिडेशन का सिंपल मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है, इसे हाइब्रिडेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसका कोई मतलब कि सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर का एडिशन नहीं होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन पेयर रिमूव करते हैं, और सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाइब्रिडेशन का सिंपल से मतलब है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, इतना ही याद रखना है आपको। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट आपको है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑन हाइब्रिडेशन ऑफ 1s, देखिए क्वेश्चन दिया है 1s एंड 1p ऑर्बिटल वी गेट, अगर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल को अगर मिक्स किया जाता है तो क्या मिलेगा आपको, दो ऑर्बिटल तो बनेंगे, दो sp, देखो एक s ऑर्बिटल अभी बताया था और एक ही p ऑर्बिटल अगर मिलेगा तो sp बनेगा, और sp अगर मिलेगा तो कितने डिग्री पे मिलेगा जी, 180 डिग्री पे, इस तरह से मिलेगा ना। तो आप देखो ऑप्शन टू मैनुअली परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होगा, क्या परपेंडिकुलर है, नहीं, टू ऑर्बिटल एट 180 डिग्री, बिल्कुल सही, फोर ऑर्बिटल डायरेक्टली टेट्राहेड्रली, गलत, और थ्री ऑर्बिटल इन प्लेन, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि आपने एक और एस ऑर्बिटल और एक ही पी ऑर्बिटल मिक्स किया है, तो इस तरह से बनेगा 180 डिग्री पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंस, भैया sp3 में s परसेंटेज कितना है, p परसेंटेज कितना है, उसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप देखो sp3 बोला है, क्या sp3, तो आप देखो ना कि sp3 में चार ऑर्बिटल हैं, एक s के और तीन p के, तो s का कितना परसेंट होगा, तो s परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो चार ऑर्बिटल में से एक ही s ऑर्बिटल है, तो कितना हो गया s का परसेंटेज, 1/4 परसेंटेज में अगर आपको पूछता है तो 25%, क्या, तो 1/4 s कैरेक्टर दिया हुआ है, कोई दिक्कत, हम sp2 का भी निकाल लेते हैं। देखो अगर आपके पास sp2 दिया गया रहता और इसमें अगर पूछा जाता परसेंटेज s निकालिए, तो भाई एक ही s ऑर्बिटल है और तीन आपको टोटल ऑर्बिटल है, तो 1/3 यानी कि 33.3%। sp में अगर पूछा जाता है s कितना परसेंट है भाई, तो आपका कितना, टोटल दो ऑर्बिटल है और एक s ऑर्बिटल है, यानी कि 50%, कोई दिक्कत। हाँ p ऑर्बिटल का परसेंटेज पूछा जाए तो इसमें अगर p ऑर्बिटल का पूछा गया तो परसेंटेज p कैरेक्टर, तो भाई p ऑर्बिटल का ही है आपको तीन और टोटल ऑर्बिटल कितना है 4, तो 3/4 परसेंटेज आप निकालते जाओ, इसमें अगर पूछेगा तो 2/3 कर लोगे, इसमें अगर पूछेगा सेम टू सेम 1/2 50%। तो चाहे परसेंटेज एस कैरेक्टर पूछे या परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछे, आप इस तरह से निकाल सकते हो, सिंपल बेसिक मैथ है इसमें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो आंसर आपका हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द मोड ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CO2। देखिए CO2 मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है। हमेशा हम हाइब्रिडेशन सेंट्रल एटम का निकालते हैं और सेंट्रल एटम CO2 में है हमारा कार्बन, इसका हाइब्रिडेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप इसमें हाइब्रिडेशन निकालने के लिए सिग्मा और लोन पेयर निकालना सीख लो, कि भाई हाइब्रिडेशन निकालना है तो हमें सिग्मा और लोन पेयर का अच्छे नॉलेज होना चाहिए। इसी क्वेश्चन के लिए हम कॉन्सेप्ट बचा कर रखे हुए, देखो तो अगर आपको सिग्मा और पाई अगर निकालना आता है पहचान सकते हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए हाइब्रिडेशन अगर निकालना है तो हाइब्रिडेशन के लिए एक ट्रिक होता है, स्टीरिक नंबर आपको चाहिए, स्टीरिक नंबर। ये नंबर कैसे निकालते हैं, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर से, और सिग्मा और लोन पेयर का सम जो आएगा वो हमें स्टीरिक नंबर देगा। ठीक, अगर आपके पास स्टीरिक नंबर दो आए, एक नहीं कभी आएगा, दो आएगा, तीन चार पाँच ऐसे जाएगा, अगर स्टीरिक नंबर दो आएगा इसका मतलब sp हाइब्रिडेशन होगा, यानी कि एक s ऑर्बिटल और दूसरा
पी ऑर्बिटल मिलेगा। और स्टेरिक नंबर अगर आपका 3 आ रहा है, स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। और अगर 4 आए तो याद रखना है sp3 आएगा। बस यही 3 आपको याद रखने हैं। स्टेरिक नंबर 2 तो sp, 3 तो sp2, 4 तो sp3, क्योंकि चारों ऑर्बिटल मिलेगा तो sp3, 3 ऑर्बिटल मिला तो sp2, 2 मिला तो sp। अब ये स्टेरिक नंबर निकालोगे कैसे, तो इसके लिए सिंपल फार्मूला है सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा कैसे निकालोगे, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं या मॉलिक्यूल में जितना एटम दिया रहेगा आपको, ये सिग्मा कहलाता है। जैसे यहाँ 2 एटम है तो 2 सिग्मा है। और लोन पेयर, अब ऑर्गेनिक में याद रखना कार्बन के पास में कोई लोन पेयर होता ही नहीं है, तो ऑर्गेनिक में तो आपको लोन पेयर या कोई लफड़ा होगा ही नहीं। रही बात इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में लोन पेयर निकालेंगे अलग अलग एटम पे, अलग अलग एलिमेंट पे लोन पेयर अलग से निकालते हैं। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस जितना बॉन्ड बनाया है उससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर उसकी पेयरिंग कराएंगे, पेयरिंग कराने से लोन पेयर आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि CO2 की अगर बात करें तो CO2 कैसा है, ऐसा CO2। आप डबल बॉन्ड में जानते हो कि एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक। तो ये आपका सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा और ये पाई। इस कार्बन के पास में आपके सिग्मा कितने हैं, 2। सिग्मा 2 है आपके पास, ठीक। और कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं है, तो स्टेरिक नंबर निकालो। स्टेरिक नंबर कितना आएगा इसका, स्टेरिक नंबर अगर आप निकालोगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर। कार्बन के पास में तो लोन पेयर होता नहीं है, तो सिग्मा कितना है इसके पास, 2। लोन पेयर कितना, 0। स्टेरिक नंबर कितना, 2। स्टेरिक नंबर 2 का मतलब क्या है, हाइब्रिडेशन कैसा होगा, sp, कोई दिक्कत, एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल। मान लो कुछ क्वेश्चन और भी देते हैं हम, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड कर दें। रुको, मान लो हमें CH4 का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। भाई तो CH4 का अगर निकालना है तो इसमें सिग्मा गिनूँ। CH4 का मतलब क्या, ये लगा हुआ है हमारा CH4, मीथेन है, सिग्मा गिनूँ, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। सिग्मा कितना, 4। 4 सिग्मा के लिए क्या होता है, sp3, यानी 4 ऑर्बिटल मिला होगा। सेकंड देखो आप, मान लो कि हमें अमोनिया दे दिया, इनऑर्गेनिक का भी कुछ करवा देते हैं, और अमोनिया में नाइट्रोजन का अगर निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका स्टेरिक नंबर निकालोगे। और स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा का मतलब जितनी इसमें एटम लगा हुआ है वही सिग्मा आपका हो जाता है। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 सिग्मा है इसके पास, तो ये 3 सिग्मा लिख दिया हमने। लोन पेयर कैसे निकालोगे, यहाँ लोन पेयर होगा। लोन पेयर के लिए सिंपल तरीका है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप पता करो। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन का, अगर नहीं पता है तो यहाँ लिख देते हैं नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, और बॉन्ड बनाया है इसने 3, तो 5 में से 3 को माइनस करो, 2 आया आपका इलेक्ट्रॉन। इसकी अगर आप पेयरिंग लगाओगे तो कितना आएगा, 1 लोन पेयर, ठीक। तो नाइट्रोजन के पास कितना आया लोन पेयर, 1। ये ट्रिक है निकालने के लिए, लोन पेयर निकालने का बहुत आसान तरीका है। आप ट्राई करोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितना बॉन्ड बनाया है, जितना बॉन्ड बनाया गया उसको माइनस करोगे, इलेक्ट्रॉन आएगा, उसकी पेयरिंग लगाओ, लोन पेयर आ जाएगा। तो 3 और 1 4 आया स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या होगा, हाइब्रिडेशन sp3। ज्योमेट्री और शेप की अगर बात किया जाएगा तो वो अभी आप निकाल सकते हो। sp3 का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, यहाँ भी टेट्राहेड्रल, यहाँ लोन पेयर नहीं है तो शेप भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा, यहाँ शेप चेंज हो जाएगा, पिरामिड शेप का होगा उसका। थर्ड देखो, मान लो हमारे पास में ये दे देता है CH3 और CH3 ऑर्गेनिक का है, अल्केन है। अब जानते हो कि 2 कार्बन का क्या हो जाएगा, इथेन। 2 कार्बन के अल्केन का मतलब इथेन। अल्केन कहीं भी हो तो आंख बंद करके आप याद रखना हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा हमेशा, क्योंकि इसके पास 4 सिग्मा ही मिलेंगे आपको, कंफर्म है। 3 हाइड्रोजन का और एक ये वाला, 4 सिग्मा है तो sp3। इस कार्बन का भी sp3 होगा, जितने भी कार्बन होंगे सबका sp3 होगा अल्केन में। और अगर अल्कीन दिया हुआ हो, वैसे मान लेते हैं कि आपके पास में ये दिया गया है CH2 और इसके पास निकालना हो, ये आपका 2 कार्बन का इथीन है, 2 कार्बन का इथीन। तो अगर कभी अल्कीन हो तो 100% श्योर
आंख बंद करके sp2 मारोगे, क्योंकि यहां तीन ही आपको मिलने वाले हैं सिग्मा। कैसे? तो देखो, ये एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो एक सिग्मा एक पाई और दो हाइड्रोजन का सिग्मा है, तो कितना सिग्मा हो गया, तीन। अगर ये इसको खोल के देखो तो ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा। कोई दिक्कत? देखो इस तरह से, अगर आपको सिग्मा गिनने हैं, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा एक पाई, यहाँ ये सिग्मा, ये सिग्मा, और इसका निकालना है मान लो, या इसका निकालना है, किसी का भी निकालना है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है कि भाई आप देखो, सिग्मा इस कार्बन के पास देखो तो कितनी है, एक दो तीन, तीन सिग्मा के लिए क्या हो गया, sp2। क्लियर? तीन सिग्मा है, एक दो तीन, यहाँ देखो तो एक दो तीन, बीच वाला दोनों के लिए होता है, तो यहाँ भी क्या हो गया, sp2। सिंपल याद रखना है, अल्केन अगर आए तो sp3, अल्कीन अगर आए तो sp2, और अल्काइन अगर आ गया, मान लो कि अल्काइन दे दिया है, तो अल्काइन का मतलब क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक, इस तरह से। तो भाई यहाँ आप सिग्मा गिनो, देखो सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई होते हैं और एक सिग्मा होता है, ठीक, ये सिग्मा है, सिग्मा एक यहाँ है और एक यहाँ है, इस कार्बन से जुड़ा दो ही सिग्मा है, और दो सिग्मा का मतलब sp, इस कार्बन का अगर निकालो तो यहाँ एक सिग्मा और एक यहाँ सिग्मा, दिख रहा है, एक यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा और ट्रिपल में दो पाई एक सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। क्लियर? बॉन्ड एंगल आप जानते हो, sp कितना होता है, 180 हो जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चार क्वेश्चन हो गया है क्या, कार्बन CO2 का हो गया, ठीक। पांच क्वेश्चन दिया है, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अरे कुछ देर पहले तो अभी यही डिस्कस कर रहे थे, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, भाई अल्केन का मतलब क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के आने से हाइड्रोजन कम हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा जनरल फार्मूला हो जाएगा CnH2n, और हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात किया जाए तो अल्कीन सबका हमेशा क्या होता है, sp2। क्लियर? अल्केन का भी हमने कुछ देर पहले बताया हुआ था स्टार्टिंग में, CnH2n+2, ये अल्केन, अल्काइन अगर पूछा जाएगा तो CnH2n-2। तो चाहे वो अल्केन पूछे, अल्कीन पूछे या अल्काइन पूछे, तीनों का आप अच्छे से ध्यान रखोगे, अल्कीन का CnH2n, अल्केन का CnH2n+2, अल्काइन का CnH2n-2। तो ये तीनों का जनरल फॉर्मूला लिखा गया है, आप याद रख लोगे, ये अल्केन है आपका, ये अल्काइन है, अल्काइन हमने पहचानना सिखा दिया था कि अल्काइन का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, अल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, और अल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड लगा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन के आंसर में टिक गया क्या, ये टिक कर लो ना, CnH2n, ठीक, चलो। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन, यार इथेन का मतलब क्या, अल्केन, और अभी तो जस्ट बताया अल्केन का मतलब क्या, CnH2n+2, इसमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो अल्केन के लिए तभी जस्ट बताया हुआ था मैंने ना sp3, अल्केन अगर कभी आए तो sp3, अल्कीन अगर आए तो आंख बंद करके मारोगे sp2, और अल्काइन अगर आए तो क्या करोगे sp, याद रख लेना अच्छे से, अल्केन का sp3, अल्कीन का sp2, अल्काइन का sp, कारण क्योंकि अल्केन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे आपको, अल्कीन में एक पाई आ जाएगा, अल्काइन में दो पाई आएगा, पाई के आने से हाइड्रेशन घट रहा है, देख रहे हो, तो अल्केन का पूछा गया है भाई sp3 मार दो, ठीक। आगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन इथाइन, भाई इथाइन का मतलब क्या, अल्काइन, इथाइन का मतलब अल्काइन, और अल्काइन का मतलब क्या बताया था भाई, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और दो ही कार्बन का बना हुआ है भाई, तो दो कार्बन का बना लो ऐसा, पाई बॉन्ड खींचने के लिए बोला गया है, पाई बॉन्ड देख लो, ये पाई है, ये पाई है, बीच वाला सिंगल सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है,
दो पाई दिख रहा है, मार दो, दो पाई, ठीक। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है भाई साहब। तो डायमंड का स्ट्रक्चर समझो पहले, डायमंड होता कैसा है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से कार्बन जुड़ा रहता है, कार्बन चार बॉन्ड के साथ में डायमंड के साथ अटैच होता है, और ग्रेफाइट याद रखना तीन बॉन्ड के साथ रहता है। तो डायमंड में इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, एक कार्बन इस तरह से, इसमें कार्बन जुड़ा रहता है चार बॉन्ड के साथ, फिर ये कार्बन भी, ये भी चार बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा, नेटवर्क बनाएगा, ये भी अपना चार बॉन्ड के साथ नेटवर्क। तो इसमें सिग्मा गिन लो, किसी एक कार्बन को उठा लो, मान लेते हैं कि हम बीच वाले कार्बन का निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो भाई इस कार्बन के पास में सिग्मा गिनो, ये सिग्मा है एक दो तीन और ये चार, आपको इस कार्बन के पास में चार सिग्मा दिख रहा है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा और एक ये सिग्मा, चार सिग्मा का मतलब क्या होता है, sp3। तो देख लो sp3, कोई दिक्कत, ग्रेफाइट का याद रखना, ग्रेफाइट का होता है sp2, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, स्लिपरी नेचर की होती है ग्रेफाइट, याद रखना, ठीक। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन एन एलिमेंट, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए, स्टडी ऑफ कार्बन, कार्बन तो कंपलसरी है, कार्बन तो 100% श्योर ही है, बोला है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्या होगा, कार्बन। नेक्स्ट, केटनेशन प्रॉपर्टीज मैक्सिमम इन, केटनेशन का मतलब स्टार्टिंग में बताए थे कि कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन केटनेशन प्रॉपर्टी शो करती है, लिंकिंग ऑफ वन कार्बन टू अनदर कार्बन इज कॉल्ड केटनेशन प्रॉपर्टी। देखो भाई, केटनेशन का सिंपल मतलब होता है केटनेशन प्रॉपर्टी का मतलब, एक लाइन में लिखोगे, लिंकिंग ऑफ वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम, वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम, एक कार्बन एटम से दूसरे कार्बन एटम की लिंकिंग की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपन, केटनेशन प्रॉपर्टी, और सबसे ज़्यादा केटनेशन किसकी होती है, कार्बन की, ठीक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, भाई इलेक्ट्रोफाइल तो आ गया रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, देखो ये रिएजेंट के टाइप्स होते हैं भाई साहब, रिएजेंट दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बेसिक बता रहा हूँ, शॉर्टकट में ज़्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल दूसरे को न्यूक्लियोफाइल, इसको ऐसे लिख देते हैं, न्यूक्लियोफाइल का मतलब एनयू पे माइनस और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ई पे प्लस लगा दो। देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, या जिसके पास में वैकेंट ऑर्बिट हो, खाली डब्बा अगर हो तो समझ जाना वो भी क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, जिस पे क्या हो पॉजिटिव चार्ज या वैकेंट ऑर्बिट, दो अभी बताए हैं, सिंपल सा तरीका याद रखोगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके ऊपर में लोन पेयर हो, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, तो ये लोग आपको क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। देखो भाई रिएजेंट का मतलब होता है अटैकिंग मॉलिक्यूल, जो रिएक्शन में सबस्ट्रेट पे अटैक करता है उसे रिएजेंट बोला जाता है। रिएजेंट दो तरह के होते हैं, एक को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, दूसरे को न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिस पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिस पे लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, आपको इतना काफ़ी है। तो आप इसमें देखो BF3 को अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बोरॉन है और इसके साथ में तीन फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक। भाई बोरॉन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो वो तो होता है पाँच, और पाँच है एटॉमिक नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो 2.3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3, तो बॉन्ड भी इन्होंने 3 बनाए हैं। लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखा जाए
देखो जैसे हम बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p1। अब 2p1 में देखो अब क्या है, ये p1 अभी खाली है, और 2p के बाद क्या होता है, 1s2s2p, फिर 3s3p, 4s3d। 2p अभी खाली है, और फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन का अगर आप देखो 1s2, 2s2 और 2p, क्योंकि फ्लोरीन के एटम में कितना होता है 9, तो 2p 5। पी भी अभी क्या है, एक खाली है, क्योंकि पी में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है, 6 इलेक्ट्रॉन, और पी यहाँ कितना 6 जाना चाहिए लेकिन अभी एक ही है, 5 यहाँ भी खाली है इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे खाली है। एंड अमोनिया में अगर बात किया जाए तो देखो अमोनिया के पास में क्या होता है, लोन पेयर भाई, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। H2O में क्या है कि ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर, ये भी तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और इसके पास में क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिट होता है, क्योंकि यहाँ देखो वैकेंट ऑर्बिटल खाली है ना, इस कारण से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। वैसे BF3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल इज, भाई अल्केन अल्कीन और अल्काइन तीनों का आपको बॉन्ड लेंथ पता होना चाहिए, जनरल पूछे जाते हैं, 12th के एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है ये पूछता है। देखो जी अल्केन का अगर पूछा जाए तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहता है, बॉन्ड लेंथ अगर पूछा जाएगा तो आप लिखोगे 1.54 एंगस्ट्रॉम में होता है जी, एंगस्ट्रॉम लिखना था इस पे, ठीक 1.54। अगर अल्किन की बात किया जाए तो अल्किन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल आ जाएगा बॉन्ड लेंथ को, जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा, सिंगल है डबल हुआ ट्रिपल हुआ, बॉन्ड की लेंथ घटती जाती है, अब बॉन्ड लेंथ घटेगा बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ घटती है और बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी अगर बात किया जाए तो 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और अल्काइन की अगर बात किया जाए तो याद रखोगे इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम, तीनों का याद रखना है, अल्केन का 1.54, अल्किन का 1.34 और अल्काइन का 1.20, ठीक। आप देख लो भाई इथीन का पूछा गया है 1.54 अल्केन के लिए, 1.35 दिया गया है, तो अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हो भाई, 3.5 दिया गया है, 3.4 लिखता तो बेहतर होता, ठीक ना, अच्छी बात। नेक्स्ट देखते हैं, विच हैज लिस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, भाई लिस्ट का मतलब समझते हो ना, कम कम कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ, सबसे कम किसका होता है, सबसे कम अल्काइन का, देख लो अल्काइन, ये तो अल्केन हो गया ना, इथेन एन लगा हुआ है अल्केन, इथीन अल्कीन, इथाइन अल्काइन, तो ट्रिपल बॉन्ड आया तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कटेगा, तो सबसे कम किसका, इथाइन का, बोले Cl CCl बॉन्ड एंगल इज दिया गया है इन वन, देखो C का Cl के साथ बॉन्ड लेंथ पूछा गया है, बॉन्ड एंगल 1.1.2.2 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन रिस्पेक्टिवली विल बी, भाई आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ और इसका स्ट्रक्चर बनाओ और फिर देखो बॉन्ड एंगल का क्या आ रहा है। अगर हम टेट्राक्लोरोइथीन बना रहे हैं, यानी कि ये 4 इसमें भाई क्लोरो लगा हुआ है, जिसमें यहाँ 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 लगा हुआ है, बोला गया है ना, दो गो क्लोरो एक नंबर पे, दो गो क्लोरो दो नंबर पे, काउंटिंग अगर करोगे तो यहाँ एक और ये दो, तो 1 पे 2 क्लोरो लगा हुआ है और 2 नंबर पे भी क्या है 2 क्लोरो लगा हुआ है, ठीक। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर बोल रहा है ये टेट्राक्लोरोमीथेन, मतलब ये 4 क्लोरो जुड़ा हुआ है एक कार्बन पे, टेट्राक्लोरोमीथेन का मतलब 4 क्लोरो और मीथेन मतलब एक कार्बन का ये जुड़ा हुआ है। अब बोल रहा है कि CCl बॉन्ड एंगल पूछ रहा है किसमें कैसा होगा, भाई यहाँ पे बॉन्ड एंगल की अगर बात किया जाए तो हाइब्रिडेशन निकाल लो ना, हाइब्रिडेशन यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा sp2 और अल्केन में आप जानते हो भाई ये हमारा अल्केन है तो हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3
और SP3 के लिए बॉन्ड एंगल आप जानते हो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109.5 डिग्री। और SP2 का बॉन्ड एंगल आप जानते हो 120 डिग्री। अब ऑप्शन देखो क्या हो रहा है, रिस्पेक्टिवली पूछा गया है, पहले इसका और फिर इसका, पहले वाला का 120 और 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट के वाला आप 109.5 डिग्री भी लिख सकते हो, यानी 109 डिग्री या 109.5 डिग्री लिख सकते हो आप, ऐसे 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। तो 120 डिग्री और 109 डिग्री, ठीक, 90 दिया, 90 डिग्री दिया, सेमिनॉल कार्बन कंपाउंड, नहीं सेम नहीं होगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द एंगल बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड इज ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा एंगल भाई किस में होने वाला है। तो आप हाइब्रिडेशन निकालो, हाइब्रिडेशन निकालोगे एंगल निकल जाएगा अपने आप। देखो भाई हम निकाल के दिखाते हैं आपको, CH3 दिया है, देना चाहिए था CH4, वैसे दिया है CH3 तो प्लस चार्ज माइनस चार्ज देना चाहिए, नहीं दिया हुआ है तो भाई साहब आप इसको CH4 बनाओ। CH4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, SP3, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री लिख सकते हो। अमोनिया भाई, अमोनिया का हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, स्टेरिक नंबर निकालो, 3 गो सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, 4 के लिए क्या होता है, SP3, बॉन्ड एंगल 1 लोन पेयर के आने से याद रखना 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल घट जाता है, तो 109.5 डिग्री माइनस 2.5 डिग्री कितना आ जाएगा, 107 और आ रहा है 107.5 हो गया, इतना डिग्री। देखो 1 लोन पेयर के आने से याद रखना 2.5 डिग्री, यानी कि 2.5 डिग्री बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाता है 1 लोन पेयर के आने से। अमोनिया में 1 लोन पेयर है यहाँ पे जी, लोन पेयर कैसे निकालोगे, उसके लिए सिंपल तरीका है, जितना इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का होता है 5, और 3 इसने बॉन्ड बनाए हैं तो 3 कर दो आप माइनस, तो आया 2 आता है इलेक्ट्रॉन, इसकी आप पेयर लगाओगे तो आया 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर आया तो बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री घट जाएगा। H2O का आप निकालो, H2O का अगर निकालोगे हाइब्रिडेशन आएगा आपका SP3, कैसे, 2 यहाँ पे सिग्मा और 2 ऑक्सीजन के पास में होते हैं लोन पेयर, तो SP3 के लिए हाइब्रिडेशन के लिए बॉन्ड एंगल होता है 109 यानी कि 109.5 डिग्री, अब माइनस 2 लोन पेयर है भाई, तो 2 लोन पेयर के लिए कितना बॉन्ड एंगल घटेगा, 2 × 5 डिग्री, 5 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 109 में से 5 कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 104.5 डिग्री, ठीक है। CO2 का निकालो भाई, CO2 को तो अभी कुछ देर पहले निकाले हुए थे, ये है CO2, SP आएगा यहाँ से, 1 सिग्मा ये पाए, ये सिग्मा ये पाए, 2 सिग्मा के लिए क्या होता है SP, और SP का बॉन्ड एंगल कितना होगा जी, 180 डिग्री। पूछ रहा था ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका है, तो भाई देख लो ना सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कितना है, किसका है, 180 का, और किसी का नहीं तो है, इतने निकालने के लफड़ा भी नहीं था, वैसे हाइब्रिडेशन से भी निकल सकता था कि SP वाले का सबसे ज़्यादा होता है 180, क्लियर। नेक्स्ट, एज द S कैरेक्टर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल डिक्रीजेस द बॉन्ड एंगल, आहा S कैरेक्टर अगर आपका डिक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, देखो भाई पहला SP3 SP2 और SP, इसमें अगर परसेंटेज S की अगर बात किया जाए तो कितना था, 1/4, इसमें 1/3 और इसमें 1/2, आप इधर से ऊपर की तरफ जा रहे हो, आपका S कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि इसमें 1/4 S कैरेक्टर है,
अब बॉन्ड एंगल की बात बोल रहा है, ये बॉन्ड एंगल का, आप इसमें बॉन्ड एंगल देखो तो भाई बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 का 169 डिग्री, sp2 का 120 डिग्री और sp का 180 डिग्री। यहाँ परसेंटेज s की अगर हम बात करें तो 50% है, ठीक है। यहाँ से जैसे जैसे बॉन्ड मतलब कि परसेंटेज s आपका डिक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल भी आपका डिक्रीज हो रहा है। भाई यहाँ बॉन्ड एंगल आपको 180 डिग्री है, यहाँ 120 डिग्री है, यहाँ 109 डिग्री है, यहाँ s आपको 50% है, यहाँ 33.3% है और यहाँ s 25% है। तो जैसे जैसे परसेंटेज s आपका घट रहा है, बाउंड एंगल भी तो घट रहा है ना, बाउंड एंगल भी आपका देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं होगा, डज नॉट चेंज, ऐसा नहीं होगा, बिकम जीरो नहीं हो गया, क्लियर। द ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन कंटेंस, भाई साहब इथाइन बना लो ना, इथाइन का मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और दो कार्बन का है इथाइन। अब इसमें पूछ रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, भाई साहब पाई निकालना आता है, इतने बच्चा वाला क्वेश्चन। देखो ये पाई, ये पाई, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, काय को सिग्मा है, 3 को सिग्मा है, पाई काय को है जी, 2 को, देख लो 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई नहीं है, 3 सिग्मा तो दे रहा है, 3 पाई दे रहा है, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, 3 पाई नहीं है, 1 सिग्मा 2 पाई नहीं। द ट्रिपल बॉन्ड इन इथाइन कंटेंस नहीं, 2 सिग्मा 1 पाई नहीं, 3 सिग्मा करेक्ट आंसर होगा, 3 सिग्मा तो है, 2 पाई नहीं दिया गया है तो नहीं होगा। Among the following, which acid is strongest? देखो जी acid strong कौन सा है सबसे ज़्यादा, उसके लिए simple तरीका होता है कि आप सबका structure देखो और inductive effect, mesomeric effect, resonance effect के बारे में आप थोड़ा सा जानते हो, 12th में है, 11th में भी है, जिसका जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट याद रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, इंडक्टिव इफेक्ट। और माइनस आई ग्रुप कौन सा ग्रुप शो करता है, तो याद रखना सिंपल कि अभी के लिए फिलहाल हैलोजन ग्रुप, एक्स ग्रुप जो है वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता है, या जिसके पास में लोन पेयर वगैरह सब हो तो उस पर ध्यान रखना कि लोन पेयर वगैरह सब के आने से प्लस एम इफेक्ट करने लगता है शो। और पॉजिटिव चार्ज अगर हो जैसे अल्काइल ग्रुप अगर है, अल्काइल यानी कि मिथाइल वगैरह, तो वो प्लस आई शो करता है, प्लस आई से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। अगर इतना अगर आपको पता है और थोड़ा बहुत अगर जानते हो अपने स्ट्रक्चर के बारे में तो निकाल सकते हो आराम से। देखो हम सबका स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उससे क्वेश्चन देखेंगे। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन का एसिड बनाना है आपको, यानी कि ये CH3COOH, ठीक, ये मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो का मतलब एक क्लोरीन लगा हुआ है और उसका एसिटिक एसिड बना हुआ है, यानी कि ऐसा CH2 एक Cl और COOH मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, यह है डाई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो भाई 2 क्लोरो लगा दो, CH Cl Cl COOH, और इसमें है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, 3 क्लोरो लगा हुआ है भाई, 3 को क्लोरीन जोड़ दो, ये Cl जुड़ा हुआ है और फिर है COOH। अब देखो सब में एसिड ग्रुप लगा हुआ है, तीनों चारों में सब में कार्बन सेम है, अंतर क्या है Cl का, और अभी हमने कहा था कि देखो भाई हैलोजन ग्रुप जो होता है वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ते जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे ये क्लोरीन माइनस आई शो करने वाला, यहाँ एक माइनस आई, ये और ये 3 माइनस आई वाले ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगा, यहाँ 2 है माइनस आई वाला थोड़ा कम जाएगा और यहाँ 1 ही है तो और कम गया, यहाँ कोई नहीं है तो सबसे कम होगा। हमसे पूछा गया था स्ट्रॉन्गेस्ट, तो सबसे भैया स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा, डी वाला, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा
उतना ज़्यादा एसिडिक स्टेंट होगा, याद रखना। और जितना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्टेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज हाइएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। यही हम आई इफेक्ट की बात कर रहे थे, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से होते हैं, एक प्लस आई और एक माइनस आई। ट्वेल्थ क्लास में आप पढ़े होगे, देख लोगे, या इलेवेंथ में भी है थोड़ा सा बेसिक, ऑर्गेनिक में वहाँ से थोड़ा सा देख लेना। देखो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा किसका होगा, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। आप इसमें देखो तो मिथाइल लिखा हुआ है, ये इसमें तो एक्स्ट्रा कोई ग्रुप लगा ही नहीं हुआ है। इसमें अगर हम बात करें, यहाँ केटाइन लगाना चाहिए था सब पे, केटाइन, ठीक है। देखो इसमें एक मिथाइल ग्रुप है तो थोड़ा सा प्लस आई हुआ, इसमें दो मिथाइल ग्रुप है, हम सबका स्ट्रक्चर बना देते हुआ। देखो ये इस तरह से जुड़ा हुआ है CH, और इसमें दो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक इससे लगा दो CH3 ग्रुप और एक ऐसे लगा दो CH3 ग्रुप। ये भी प्लस आई शो कर रहा है और ये भी आपका प्लस आई शो कर रहा है, इसमें दो प्लस आई वाले ग्रुप हैं, ठीक। और इसमें अगर बात किया जाए तो देखो तीन CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये CH3 ग्रुप, ये CH3 और ये CH3, तो ये प्लस आई, ये प्लस आई और ये प्लस आई। जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा। हमसे पूछा गया था हाईएस्ट इंडक्टिव इफेक्ट किस में है, सबसे ज़्यादा प्लस आई इसी में हो रहा है। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा, अल्काइल ग्रुप आपको प्लस आई शो करता है, यानी इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है आपको। जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम दो कार्बन का बना दें इस तरह से और इसमें प्लस चार्ज दे दें, तो इसमें क्या है, एक ही प्लस आई वाला है जो कि आपका ये है, और एक अगर CH3 अगर ऐसे लगा हुआ है प्लस में तो उस पर तो कोई है ही नहीं, तो कोई इसमें नहीं होगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। भाई बेसिक सबसे ज़्यादा कौन सा है, आप देखो ये ट्वेल्थ में इमीन चैप्टर में दिया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है एज इट इज़। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है भाई, बेसिक होता है थोड़ा सा, इसमें ये लग गया एक CH3 ग्रुप, जैसे C2H5 ग्रुप, इसमें दो लगा हुआ है और इसमें तीन लगा हुआ है। अब इसमें याद रखना बुआ, देखो वैसे तो प्लस आई से क्या होता है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लेकिन इसमें देखो अगर बात किया जाए तो इसके हम एक्सट्रेस बनाते हैं, इसमें तीन इथाइल जुड़ा हुआ है, इथाइल को ऐसे लिख सकते हैं CH2 CH3, तीनों साइड जोड़ दो, ठीक, ये जोड़ दिया। हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये ऐसा है, दोनों साइड जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप, सॉरी हाँ इथाइल, और ये रहा, ठीक। देखो ये भी कर रहा है आपका प्लस आए और ये भी कर रहा है आपका प्लस आए, इसमें ये भी कर रहा है आपका प्लस आए, इथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप प्लस आए शो करता है, ये भी कर रहा है प्लस आए और ये भी कर रहा है आपका प्लस आए। जितना ज़्यादा प्लस आए उतना ज़्यादा होना चाहिए था इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन होता क्या है ना कि इसके और इसके बीच में भैया रिपल्सन लगने लगता है, धक्का बारी इसके और इसके बीच में होता है रिपल्सन, इस कारण से इसका बेसिक नेचर थोड़ा सा घट जाता है। लेकिन यहाँ दोनों अपोजिट साइड में है तो रिपल्सन लगने का कोई चांस नहीं है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो आपका 2 का होगा, ये एक्स्ट्रा कुछ आ गया है नहीं कुछ। और इसमें रिपल्सन की वजह से क्या हुआ है कि एसिडिक बेसिक नेचर थोड़ा सा घट गया है इसमें रिपल्सन, क्योंकि ये मिथाइल इथाइल इथाइल दोनों में रिपल्सन होगा, इसके इसके बीच में भी क्या होगा रिपल्सन होगा। और रही बात इसमें, तो इसमें बहुत कम प्लस आई वाला ग्रुप है क्योंकि एक ही लगा हुआ है इस तरह से इथाइल ग्रुप, तो ये कम प्लस आई शो करेगा, ये कम प्लस आई शो करेगा, इतना ही है प्लस आई वाला, इसमें दो है प्लस आए। और एक चीज़ याद रखना ट्रिक से भाई, ट्रिक ले देता हूँ, प्लस आए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा प्लस आए उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। और प्लस आए कौन शो करता है आपको याद रखना है अच्छे से, अल्काइल ग्रुप कम से कम तो याद रखना है, ठीक है, इससे काम चल जाएगा अपना। देखो अगर बात किया जाए माइनस आई का, तो याद रखना माइनस आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, और माइनस आई के लिए हैलोजन को आप याद रखोगे, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन था, ठीक, धन्यवाद। देखो भाई, जो बेसिक हाइब्रिडेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था हमने इसमें बस क्लियर किए हैं। अगर और भी कोई अगर आपको डाउट रहता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आएंगे और आए हुए हैं। मोस्टली सारे क्वेश्चन लगभग लगभग आपका पूछा ही हुआ है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत अगर हो रहा होगा, सर यहाँ 3+ आए हैं तो ज़्यादा होना चाहिए बेसिक क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ रिपल्सन हो जाता है। इथाइल ग्रुप आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन लगता है। इस कारण से यहाँ पे बेसिक नेचर थोड़ी सी घट जाती है। यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों 180 डिग्री पे लगा हुआ है, तो कोई रिपल्सन लगने का चांस नहीं है, इस कारण से इसका होता है। वैसे इथाइल के जगह मिथाइल भी अगर रहता तो भी इसी का होता ज़्यादा। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।